हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम फ्लावर्स बनाएंगे, वो भी पेपर से। हमने पहले भी फ्लावर्स बनाए थे लेकिन वो ग्लिटर शीट से था। आज हम जो फ्लावर्स बना रहे हैं ये आप चार्ट से या कोई भी कलर पेपर से बना सकते हैं। इसकी लुक बहुत ही सुंदर आती है, बिल्कुल ओरिजिनल रोजेस लगते हैं। तो अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी तो आप इसको बहुत ईजिली बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक पेपर को स्क्वायर शेप में काटेंगे, उसके बाद आप उसको उसी तरह कट करेंगे जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। देखिए, मैंने बहुत सारे फ्लावर्स की शेप काट ली है। वैसे अब हर फ्लावर की शेप के पेटल को अंदर की तरफ को फोल्ड करोगे। आप पिक्चर में देख सकते हो हम कैसे कर रहे हैं। आपने सारी पेटल्स को इसी तरह एक एक करके फोल्ड कर देना। अब मैं फ्लावर्स को कटिंग करूंगी। फ्लावर्स की कटिंग को आप ध्यान से देखोगे कि हमने फ्लावर की शेप की पहले एक पेटल को काट दिया, फिर मैंने दो पेटल्स को काटा है, अब तीन पेटल्स को काटूंगी। अब मैं फ्लावर के हाफ हाफ करके काट दूंगी। फ्लावर्स को ऐसे पेटल्स को अलग अलग करने के बाद अब मैं इनकी पेस्टिंग करूंगी। जैसे मैंने कट किया था बस उसकी दोनों साइड की एंड पेटल्स को मैं जोड़ दूंगी। आप पिक्चर में देख रहे होंगे हम कैसे पेस्टिंग कर रहे हैं। सारी पेटल्स को हम जोड़ लेंगे। पेटल्स को जोड़ने के बाद अब हम हर एक फ्लावर शेप को एक दूसरे के साथ चिपका देंगे। ये एक फ्लावर शेप दूसरी फ्लावर शेप के सेंटर में पेस्ट होगी, तभी ये एक रोज़ की लुक देगी। अब हमारे फ्लावर्स रेडी हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इन फ्लावर्स को आप पेपर बास्केट में कैसे बना सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो वेट टिल द वीडियो।